आगे आपके पास आयत नंबर सिक्सटी वन आयत नंबर सिक्सटी वन का है सुल्ह की तरह आयत नंबर सिक्सटी वन आपके सामने है इसमें फ़रमा रहे हैं बिसमर वना इन, इन, इन और अगर जाना हूँ वो माइल हूँ जिसमी सुलह के लिए फापस इजना माइल हो जाओल्ला उसके लिए वतवल और भरोसा रखो आलाप पर अल्लाह ही अल्लाह पर इन्ना हूँ बेशक वो हुआ वही है समियम सुनने और जानने वाला और अगर ये लोग सुलह की तरफ मायल हो तो तुम भी इसकी तरफ़ मायल हो जाओ और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और जानता है इस आयत में दरअसल अल्लाह ताला मुसलमानों को ये हुक्म दे रहे हैं कि जब काफिरों से तुम्हारा मुकाबला हो और वो तुमसे लड़े बगैर ये सुलह की पेशकश कर दे तो तुम इस पेशकश को कबूल फ़रमा लो क्योंकि तुम्हारा असल मकसद ये होना चाहिए कि तुमने हैर मुसम को अल्लाह के दीन की तरफ़ रागब करना है अगर वो बिना लड़ाई के अल्लाह की तरफ और अल्लाह के दीन की तरफ़ मायल हो जाएँ तो तुम भी उनसे लड़ाई नहीं करो बल्कि उनकी ये जो उन्होंने पेशकश की है इसको कबूल कर लो और उनसे सुलह कर लो और उनको अल्लाह और अल्लाह के दीन की अतहत की तरफ रागब करो और अल्लाह पर भरोसा रखते रहो बेश तुम्हारा मददगार है और वो तुम्हारी बातें सुनने और जानने वाला है ये आयत आपने अच्छी तरह याद करनी है मैंने आपको सिर्फ तीन आयत पढ़ाई है इन तीन आयत के आपने बामहरताजम भी याद करना है और अल्फाज मैंने भी याद करने हैं है। ये आपका घर का काम है